स्टैंड पर खड़े हैं। सारी चीजें ले ली ना? हाँ, देखिए ना मौसी, मेरे पास दो दो बैग हैं। आई हैव टू बैग्स। वॉट डू यू हैव इन टू बैग्स? आई हैव आवर ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड अ वाटर बॉटल। एंड वॉट डू यू हैव इन दैट बैग? आई हैव माई क्लोथ, टूथब्रश, टॉवल, रेडियो। और कुछ तो नहीं है ना? चलो चलो, वो रही चांदीपुर की बस। इसे जल्दबाजी मत करो, रुको। मौसी, हम यहाँ बैठेंगे। वी विल सिट हियर। इज दिस आवर सीट, सुनीता मौसी? यस, दैट इज राइट। दीज आर आवर सीट्स, नंबर 8, 9 and 10. I will sit near the window. नहीं नहीं, मैं पहले चढ़ी थी, मैं खिड़की के पास बैठूंगी। No, no, no. I will sit near the window. फिर झगड़ा शुरू। तुम दोनों बारी बारी से खिड़की के पास बैठोगे। थोड़ी देर आशा बैठेगी और थोड़ी देर तू बैठना, ओके? ठीक है। What is it? वहाँ देखो, उस पहाड़ी पर। What is it? उस पहाड़ी पर कितना बड़ा महल है। Yes, I can see it. मौसी, I can मतलब मुझे दिख रहा है, ठीक है ना? आशा, जो जो काम तुम कर सकती हो उस सब के लिए तुम अंग्रेजी में I can का प्रयोग कर सकती हो। अच्छा, तुम्हें वो खेल याद है जो हम दादाजी के साथ खेलते थे? हाँ याद है, मैंने कहा था आई कैन सिंग, मैंने कहा था आई कैन प्ले द तबला, और सुनीता मौसी ने कहा था आई कैन डांस, और दादाजी ने बोला था आई कैन कुक। अरे वाह, तुम दोनों को तो सब याद है। सुनीता मौसी, मैंने पूछा था आपको टेकरी दिख रही है क्या? यही बात अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे? बहुत आसान है। Can you see that hill? Hill यानी टेकरी या पहाड़ी। सुनीता मौसी, अब सुनो। Can you see that mango tree? Yes, I can. Can you see this donkey? No, I can't. तुम्हारे बगल में ही तो बैठा है। आशा, गधा मैं नहीं, तू है। लगता है तुम दोनों को मजा नहीं आ रहा है, इसीलिए झगड़ा कर रहे हो। आइडिया। सुनीता मौसी, हम कैन यू को लेकर एक खेल खेलें। अब मुझे गाना गाना है, गाऊं? ये सवाल कैसे पूछेंगे? कोशिश करो। कैन आई सिंग? बिल्कुल ठीक। मुझे रेडियो चलाना है, चलाऊं? ये कैसे पूछेंगे? कैन आई पुट ऑन द रेडियो? ओके, कैन आई पुट ऑन द रेडियो? मुझे रेडियो बंद करना है, कैन आई पुट ऑफ द रेडियो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी में कैसे बोलोगी? नो यू कांट। नो यू कांट, मुझे रेडियो सुनना है। अरे पर कितने बज गए? 11:11। तो रेडियो पर मैच सुनते हैं ना? With wickets in place, if you get in and you're not looking, I like cricket matches. अगर तुझे मैच देखना पसंद है तो कैसे बोलेगा? देखना मतलब watch. I like to watch cricket matches. I like to watch cricket matches on TV. अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत अच्छा बोलने लगे हो। आशा को गाने पसंद है, ये कैसे बोलेगा दीनू? She likes songs. बोलना चाहिए। She likes songs. He likes cricket. सही है? सही है। मैं भी एक नया वाक्य बनाता हूँ।
क्या बनाऊं? शी लाइक्स ट्रीज। बहुत होशियार बनता है तो एक और वाक्य बना। तो सुन, आई लाइक टू गो टू चांदीपुर। बहुत खूब, अब तू मुझे गाना सुनने दे। आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आज हम इसके बारे में बोलना सीखेंगे। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में आपको अभ्यास कराने में सुविधा रहे। कैन यू सी अ बॉय? नो आई कांट। कैन यू सी अ गर्ल? यस आई कैन। आई कैन सी अ ट्री। आई कैन सी अ हिल। दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हो, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी। आज सुने हुए शब्दों में से बॉय और गर्ल, ये शब्द आपको जरूर मालूम होंगे। बॉय मतलब लड़का और गर्ल मतलब लड़की। आज हमने दो और शब्द सुने, वो हैं ट्री मतलब पेड़, हिल मतलब छोटी पहाड़ी। अब इन शब्दों का प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाएं। मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है। मैं ये वाक्य अंग्रेजी में बोलूंगी और तुम सब मेरे बाद बोलना। आई कैन सी अ बॉय। फिर वैसे ही मुझे एक लड़की दिखाई दे रही है, ये तुम सब एक साथ अंग्रेजी में बोलो। मुझे एक लड़की दिखाई दे रही है। आई कैन सी अ गर्ल। गुड। अब ऐसे ही वाक्य तुम बनाओ। ऐसी कोई भी चीज या व्यक्ति जिसे तुम देख सकते हो, उसके बारे में एक वाक्य तुम तैयार करो। आई कैन सी अ टेबल। आई कैन सी अ बुक। आई कैन सी अ टीचर। ऐसे वाक्य हर एक को तैयार करने हैं। जब घंटी बजेगी तब एक बच्चा खड़ा होगा और एक वाक्य बोलेगा। है कोई लड़का तैयार? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, उसके बारे में अंग्रेजी में एक वाक्य बोलो। आई कैन सी, ऐसे वाक्य की शुरुआत करनी है। दूसरा कोई? एक अलग वाक्य बनाओ। गुड। अब दूसरे तरीके से अभ्यास करेंगे। मैं एक प्रश्न पूछूंगी, ध्यान से सुनना। कैन यू सी अ स्कूल बैग? क्या पूछा मैंने, हिंदी में बताओ। Can
क्या तुम्हें एक बस्ता दिखाई दे रहा है? यही पूछा ना? अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? यस आई कैन, क्योंकि कक्षा में कम से कम एक बस्ता तो होगा ही ना। अब मेरे हर प्रश्न को ध्यान से सुनो और एक साथ बोलो, यस आई कैन या नो आई कांट। पहला प्रश्न, कैन यू सी अ बॉय? क्या तुम्हें लड़का दिखाई दे रहा है? मैंने ये प्रश्न अंग्रेजी में पूछा और सब बच्चों ने उत्तर दिया ना, यस आई कैन या नो आई कांट। अब अगला प्रश्न, कैन यू सी अ ट्री? क्या खिड़की से तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है? तुम सबने सही उत्तर दिया ना। अब अगला प्रश्न, कैन यू सी अ हिल? क्या पहाड़ी दिखाई दे रही है तुम्हें? उत्तर दिया, गुड। अब इससे आगे का अभ्यास टीचर जी करवाएंगे। पहले अलग अलग बच्चों को आई कैन सी अ ट्री या आई कैन सी अ गर्ल ऐसे वाक्य बोलने को कहेंगे। उसके बाद कैन यू सी एन एलिफेंट ऐसे प्रश्न टीचर जी पूछेंगे और तो